तो मॉन्स्टर मूवीज को जो चीजें सबसे स्पेशल बनाती हैं वो होती है मॉन्स्टर्स की धमाकेदार एंट्री, एडवेंचर सीन, एपिक एक्शन और एक दूसरे से होने वाली फाइट। मॉन्स्टर्स की एक दूसरे से होने वाली फाइट सच में बहुत ही कमाल की होती है और इसलिए फैंस हमेशा से ही इन फाइट्स को एंजॉय करते हैं। और यही रीजन है कि मॉन्स्टर वर्स में बहुत सी एपिक फाइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे गॉडज़िला वर्सेस किंग गिडोरा की फाइट हो या फिर गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग की फाइट हो। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 बेस्ट फाइट्स को रैंक करेंगे कि मॉन्स्टर वर्स में टॉप 10 फाइट्स कौन सी देखने को मिलती हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी फेवरेट फाइट कौन सी है। नंबर 10, रोडान वर्सेस किंग गिडोरा। इस फाइट की स्पेशल बात ये थी कि इसमें हमें मॉन्स्टर वर्स के दो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स यानी किंग गिडोरा वर्सेस रोडान की फाइट देखने को मिली थी। हाँ, ये बात अलग है कि ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चली और रोडान किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम्स को बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधा जाकर गिरा समंदर में। बट उसके बाद हमें गॉडज़िला की भी एंट्री दिखी इस फाइट में और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये फाइट नंबर 10 पर है। नंबर 9, द सर्वाइवर फाइट। तो ये फाइट हमें देखने को मिली थी कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में, जहाँ स्कल क्रॉलर और ह्यूमंस एक दूसरे के आमने सामने थे। स्कल क्रॉलर एक ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि छिपकली की तरह दिखते हैं और इन्होंने ही कॉन्ग के पेरेंट्स को भी मारा था। स्कल क्रॉलर बहुत ही चालाक और एजाइल मॉन्स्टर होते हैं और इस फाइट में कैप्टन जेम्स और आर्मी के बाकी मेंबर्स किस तरह से स्कल क्रॉलर का सामना कर रहे थे ये देखना सच में बहुत एपिक था। इस फाइट में ये तो क्लियर हो जाता है कि ह्यूमंस के वेपन्स मॉन्स्टर के सामने किसी काम के नहीं है और इस फाइट में जो थ्रिलर था, जो एक्शन था, वो सच में लाजवाब था। नंबर 8, कॉन्ग वर्सेस वॉर बैट्स। तो कॉन्ग ने जैसे ही होलो अर्थ में कदम रखा उसको वेलकम किया वॉर बैट्स ने। इस फाइट में हमें कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है कि जब वो एक वॉर बैट को मार देता है और उसका सर अलग कर देता है, बट एक और वॉर बैट कॉन्ग पर भी भारी पड़ता है जो कि क्लियर कर देता है कि होलो अर्थ में और भी कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे। नंबर 7, किंग गिडोरा वर्सेस गॉडज़िला अंटार्कटिका फाइट। तो इस फाइट से पहले सभी यही समझते थे कि गॉडज़िला सबसे पावरफुल और साइज में सबसे बड़ा मॉन्स्टर है, बट इस फाइट के बाद सभी चेंज हो जाता है। एक तो इस फाइट में हमें किंग गिडोरा पहली बार देखने को मिलता है और वो जिस तरह गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रीथ को डोज करके उस पर ग्रेविटी बीम से अटैक करता है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडज़िला के थ्रोन को चैलेंज करने के लिए कोई और आ गया है। किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम से गॉडज़िला नीचे गिर जाता है जो कि किंग गिडोरा की पावर्स को शो करता है। नंबर 6, गॉडज़िला वर्सेस म्यूटोस। गॉडज़िला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर क्यों कहा जाता है ये चीज इस फाइट से क्लियर हो जाती है। इस फाइट में गॉडज़िला एक ही टाइम पे दो मॉन्स्टर्स यानी दो म्यूटोस से फाइट करता है, जहाँ मेल म्यूटो तो गॉडज़िला को ज्यादा परेशान नहीं करता और जल्दी हार मान जाता है, बट इसके कंपैरिजन में फीमेल म्यूटो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं होती, जिसके बाद लास्ट में आखिरकार गॉडज़िला एटॉमिक ब्रीथ को यूज करके फीमेल म्यूटो को भी मार देता है और ये सीन मॉन्स्टर वर्स की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट सीन है। नंबर 5, कॉन्ग वर्सेस स्कल क्रॉलर। तो ये फाइट मेरी वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक है क्योंकि ये फाइट मॉन्स्टर वर्स के दो बहुत ही फास्ट और एजाइल मॉन्स्टर के दरमियान थी। इस फाइट से पहले कॉन्ग ने ह्यूमंस के अटैक को सरवाइव किया था जिससे कॉन्ग को काफी डैमेज पहुंचा था और ठीक उसके बाद वो टकराता है स्कल क्रॉलर से। स्कल क्रॉलर बहुत ही अग्रेसिव, चालाक और भूखे मॉन्स्टर्स होते हैं और इस फाइट में हमें सब दिखता भी है। कॉन्ग की स्ट्रेंथ स्कल क्रॉलर से ज्यादा है मगर अपनी स्पीड की वजह से ही स्कल क्रॉलर ने कॉन्ग को काफी परेशान किया हुआ था, बट आखिरकार लास्ट में ह्यूमंस की हेल्प और अपनी स्ट्रेंथ से कॉन्ग स्कल क्रॉलर को मारने में कामयाब हो ही जाता है। नंबर 4, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। तो ये फाइट दो हिस्टोरिकल काइजूज के दरमियान राइवलरी पर बेस्ड थी। फैंस इस फाइट का बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे। गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग ये सुनते ही बड़े बड़ों की हालत टाइट हो जाती है। इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है फैंस हमेशा इस पर बहस करते हैं। ये फाइट इंटेंस और वेल कोरियोग्राफ की गई थी जहाँ गॉडज़िला को समंदर की वजह से एडवांटेज हासिल था क्योंकि जब जब कॉन्ग पानी में गिरता था तब तब गॉडज़िला उस पर हावी हो जाता था, बट लास्ट में ये फाइट बिना रिजल्ट ही खत्म हो गई। नंबर 3, किंग गिडोरा रोडान वर्सेस गॉडज़िला और मोथरा। गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी की फाइनल बैटल में हमें बहुत से एपिक सीन देखने को मिलते हैं, फिर चाहे आप बात करें किंग गिडोरा का गॉडज़िला को हवा में उठाना, मोथरा का सैक्रिफाइस या फिर बर्निंग गॉडज़िला का किंग गिडोरा के सामने आना, और यही सब सीन ही इस बैटल को एपिक बनाते हैं। तो जहाँ फाइट के स्टार्ट में मोथरा और गॉडज़िला किंग गिडोरा पर भारी पड़ रहे थे, वही इस बैटल में एंट्री होती है रोडान की, जिसके बाद रोडान वर्सेस मोथरा की फाइट स्टार्ट हो गई और किंग गिडोरा वर्सेस गॉडज़िला एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर लास्ट में मोथरा के सैक्रिफाइस से हमें देखने को मिला बर्निंग गॉडज़िला, जिसने बड़ी आसानी से किंग गिडोरा को मार दिया और इस बैटल को खत्म कर दिया। नंबर 2, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग होंग कॉन्ग फाइट। तो पिछली फाइट में समंदर की वजह से एडवांटेज गॉडज़िला के पास था और इसलिए वो कॉन्ग पर भारी भी पड़ रहा था, बट इस फाइट में सीन कुछ और ही था।
क्योंकि अब कॉन्ग के पास था उसका वेपन एक्स। इस फाइट में जहाँ गॉडज़िला अपनी एटॉमिक ब्रीथ का यूज करता है, वहीं कॉन्ग अपने एक्स की हेल्प से गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रीथ को डोज कर देता है। कॉन्ग अपनी स्पीड और अपने वेपन एक्स की हेल्प से गॉडज़िला को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, मगर इस फाइट में ये क्लियर हो गया कि इन दोनों मॉन्स्टर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, जो कि है गॉडज़िला। और लास्ट में उसने कॉन्ग को हरा भी दिया। नंबर वन, गॉडज़िला और कॉन्ग वर्सेस मेका गॉडज़िला। तो फैंस को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि इस मूवी में हमें कॉन्ग और गॉडज़िला के अगेंस्ट कोई विलन भी देखने को मिलेगा। सब यही सोच रहे थे कि इस मूवी में बस कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला ही होगा, बट सब तब हैरान हो गए जब हमें देखने को मिला गॉडज़िला और कॉन्ग का टीम अप। मेका गॉडज़िला जो कि एक रोबोटिक टाइटन था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने गॉडज़िला और कॉन्ग दोनों को ही एक साथ ओवरपावर कर दिया था, बट कॉन्ग और गॉडज़िला के टीम अप की ही वजह से वो दोनों मेका गॉडज़िला को हराने में कामयाब हो गए। जहाँ गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रीथ ने कॉन्ग के वेपन एक्स को फुल चार्ज कर दिया था, जिसके बाद कॉन्ग ने उस वेपन की हेल्प से मेका गॉडज़िला के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। गॉडज़िला और कॉन्ग के टीम अप की ही वजह से ये बैटल नंबर वन पर है। तो गाइज, ये थे मॉन्स्टर वर्स के टॉप 10 बेस्ट बैडएस बैटल्स। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी एक लिस्ट बनाओ टॉप 10 बेस्ट फाइट्स की।